दोस्त सारे के सारे एंड वेलकम बैक टू द चैनल फॉर डेली व्लॉगिंग। आज पहला दिन है और आज से 30 दिन तक मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ अपने अंदर वो आदत लेके आ रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डाल सकूँ। और फिलहाल अभी मैं सो के उठा हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं क्योंकि मैं जब सो के उठता हूँ और उसके बाद नहा के आया हूँ अभी तो मेरे बालों की हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है। फिर अब हम इसको ड्रायर मार के भी सेट करेंगे और आ जाएगा इस मेरे दोस्त की शादी। तो मेरे दोस्त की शादी में चल रहे अपन सारे के सारे और नवीन भाई भी चलेंगे, बट नवीन भाई आ रहे हैं जहाँ से भाई प्राइवेट जेट का आना, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपने स्कूल की एक फ्रेंड के साथ, तो बहुत सारे लोग हमारे सारे के सारे स्कूल फ्रेंड्स ही आ रहे हैं बेसिकली शादी में। आ तो बहुत रिश्तेदार है बट मैं औरों को नहीं जानता ना, मैं सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स को जानता हूँ, तो मेरे लिए तो सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं। और अभी मैंने अपना व्लॉग एडिट कर दिया भाई, तो ये वाला व्लॉग जाएगा शाम को 4-5 बजे करीब। बट अब से गाइस मैं अपने व्लॉग्स का टाइमिंग भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैं कब डालूँ, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई कि 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले करीब डाल, तो मैं भी एक टाइम फिक्स कर लूँगा फिर उस पर व्लॉग डाला करूँगा। और आज है पहला दिन, पहला व्लॉग, और ऐसे करके 30 दिन तक 30 व्लॉग आएंगे, तो तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता लगता रहे कि नितिन की डेली लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि डेली लाइफ में देखो कंटेंट बेस्ड व्लॉगिंग इतना पॉसिबल नहीं होती, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो चीज़ भी करूँ, क्योंकि वो चीज़ ऐसी जो मुझे पर्सनली पसंद है। बट अब हम ट्राई करेंगे लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो कि आजकल ऑडियंस का टेस्ट है, ठीक है, आज के टाइम पर जो चीज़ मैं देखता हूँ। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी जिम से होके आता हूँ, ठीक है, नहा धो के जिम जाता हूँ, जिम से नहा धो तो मैं लिया हूँ, फटाफट जिम से होके आता हूँ, फिर चल रहे हैं मेरी दोस्त को लेने के लिए। तो गाइज अभी फिलहाल मैं आया हूँ अपनी दोस्त को पिक करने के लिए, तो वो वहाँ खड़ी है, अभी हम चल रहे हैं फटाफट शादी में। ओ माय गॉड, हाउ आर यू? ये क्या है? A gift. चलो पहले गाड़ी निकालते हैं, नहीं तो पीछे बहुत ज्यादा जाम लग जाएगा भाई। फिर आज हम लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त की शादी में है भाई, तो आज दोस्त की शादी है मेरे, ठीक है, मेरे स्कूल का फ्रेंड था। अभी यार मतलब मैं 19 साल का हूँ, नहीं मैं 19-20 का हूँ, और वो भी मेरी एज का, बट 19 के हो या 20 के? 20 का, गर्ल्स 20 का, 20 का, ठीक है। बट यार वो शादी कर रहा है जल्दी, 20 का लौंडा सिंगल है, क्या करे यार, ऐसे ही अपनी लाइफ थोड़ी खराब सी चल रही है। चलो कोई ना, बट आया आज भाई उसको सरप्राइज करेंगे बढ़िया से। मैंने पता क्या गिफ्ट लिया उसके लिए, क्या? पीछे बॉक्स है, मैंने उसमें बेल्ट और एक बेलन लिया है और उसकी वाइफ को गिफ्ट करूंगा वो बेल्ट और बेलन की, उसको उससे समझाए और उसको उससे मारे, समझ रहे हो? धूप खा जाती है बंदे को, ठीक है, और शाम को ट्रैफिक खा जाता है बंदे को, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को रात को जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब यार भाई पैर दुख गया मेरा, कसम से बड़ी देर से ऐसी चल रहा हूँ यार, मेरी हालत खराब हो गई। आई नो ना, यू डोंट नो ड्राइव, दैट इज द प्रॉब्लम ना। तो ये सारे के सारे मेरे, अभी देखो मेरे को फिर आधे घंटे से ऊपर एक घंटा हो चुका है, और आधा एक घंटा मैं हो चुका है, फिर भी देखो लोग यहाँ पे स्कूटी ऊपर चढ़ा रहे हैं। भाई स्कूटी ऊपर चढ़ाने की नौबत आ गई, मैं चढ़ाऊं गाड़ी? उठा तू जा, पीछे जाके टायर उठा मेरा भी, देखे देखो लोग देखो ऊपर से आ रहे चढ़ चढ़ के पटरियों में से। यार इस साइड बहुत ज्यादा, ओ भाई आराम से जाना, ऊपर चढ़ा ली तुमने यार, आराम से भाई साहब, आराम से। सारे लड़ पड़े भाई यहाँ पे, यार लड़ो मत, लेट पहुंचेंगे यार। भाई गाइस अभी एक ट्रेजेडी हो गई, मेरे पीछे गाड़ी वाला मेरा ही दोस्त है, वो मुझे अभी उसने फोन करके बताया कि तेरी ब्लॉगर नितिन वाली गाड़ी देख ली मैंने, तो मैं जाता हूँ उससे कुरकुरे लेके आता हूँ, बहुत भूख लगी खाएगी यार, कुरकुरे लेके आता हूँ। देखो भाई जाम दिखाऊं तुम्हें यार, परेशान हो गया मैं भाई, यहाँ पे बतेरा जाम लगा पड़ा है यार। गेट वाले लॉक से खोलियो, ठीक है, समझ गई ना भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ, इतना जाम लगा पड़ा है यहाँ पे, देखो भाई पीछे भाई बहुत तगड़ा जाम है, इतनी देर से मैं सिर्फ फ्लेवर हल्का सा खिसका हुआ, मेरा दोस्त ये रहा पीछे, इससे कुरकुरा मांगने आया हूँ भाई, थैंक यू कुरकुरे के लिए, ठीक है ब्रो। तो गाड़ी फंसा रखी है मैंने यार रोड पे, कुरकुरा लेके आया उससे मांग करके, खोल दो मैडम गेट। अब देखते हैं, मैं बारात तो मैंने मिस कर दी, अब कब तक पहुंचूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं, बट ट्राई करेंगे कि आधे एक घंटे में तो फ्री हो जाए, टाइम बहुत खराब है यार, शाम को मत निकला करो दिल्ली में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, शाम ने पटाखे फूटते दिख रहे हैं। हाउ यू फील यार? आई एम सो कंजेस्टेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई एम सो कंजेस्टेड मैन, व्हाट यू थिंक? माय बैक इज एकिंग, बट ये पटाखे देख के मेरे दिल मजा आ रहा है यार, भाई मैं तो कह रहा हूँ शादी वादी छोड़ो, भूख लग रही है, बिना मजाक सेट के अब किसी का खाने पे कूदेंगे, बहुत भूख लग रही है, शादी वादी गई ऐसी तैसी में, पहले मजाक सेट के खाने में कूदेंगे भाई, मुझे यहाँ से बाहर उतरना है यार। जाम भाई जाम, कसम से दिल्ली में भाई घुसना पाप है भाई, दिल्ली में नहीं फरीदाबाद, फरीदाबाद नहीं है यार ये जयपुर है, जयपुर में घुसना गाइस पाप है,
मत घुसना। ओ और वो सामने टेंट लगा पड़ा है यार, पता नहीं कहाँ गलियों में शादी करी है मेरे दोस्त ने भी यार। गाइस अभी हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पीछे, भाई मेरी तो हालत खराब, मेरी और रिएक्शन भाई मेरी हालत खराब लिटरली। भाई 9:30 से ऊपर हो चुका है टाइम और मैं 7 बजे निकला था तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। गाइस अभी फिलहाल हम आ गए हैं शादी में, भाई फुल फॉर्म में लग नहीं रहा है, मेरे स्कूल वाला दोस्त है ना आके आ गया भाई। पेट अंदर खींचने की हो रही है वो, देख 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 कैसे खड़ा, पेट अंदर खींचने की हो रही है भाई, देख रहे हो देख रही है शादी क्या हो रही है, शादी क्या हो गई, बंदा बदल गया। फिलहाल हम लोग आ गए रात को यहाँ पे खाना खाने के लिए डीएलएफ फूड कोर्ट। शादी में मैंने बहुत फन करा यार, मजा आ गया, मैंने कुछ शूट नहीं करा खास वहाँ पे है भाई, मजा आ गया शादी में घूम फिर के, अब थक गए अब खाना खाना है, अब खाना शादी में मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि थोड़ा मेरे को बाहर खाना था, सारा इसने खा लिया मेरे को खाने के लिए। अच्छा मैं खा रही थी ना, झूठ बोल रहा है ना, बहुत झूठ बोल रहा है। ओह माय गॉड आई एम लुकिंग सो रेड, एंड मैं कैसा लग रहा हूं? तुम एज यूजुअल बेकार, नहीं पता है मुझे, मैं जैसे गोवा जाने वाला हूँ ये यार। एक बार कपड़े दिखा तो मेरे, देख देख मैं कैसा लग रहा हूँ, देख मतलब तुम ये देखो मैं शादी में कैसा बन के गया था, मैं ठीक लग। चलो गाइस कमेंट 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 ओपी शादी में ऐसे बन जा सकते हैं यहाँ डीएलएफ फूड कोर्ट में, तो ये पूरी रात खुलता है यहाँ पे, कभी भी खाना खाना हो तो आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल आ गया गाइस, चलते चलते हालत नहीं हो रही थी, थक गई है ना तू भी बहुत यार, मैं बिल्कुल थक गया गाइस, बट अभी चलो कोई ना अभी खाना खाते चल के। और इस लोकेशन की भाई मैं जो ये लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम्हें भी कभी रात भी रात कभी खाना खाने का ऐसे मन हो तो तुम लोग खा सकते हो। और देखो ये ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है हमने यहाँ पे आकर के, तो अंदर अभी यहाँ पे बिल पेमेंट हो रही है। अभी मैं वाव मोमोज ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अभी तक वाव मोमोज ट्राई नहीं करे थे कभी, तो आज वाव मोमोज ट्राई करवा रही है। और वहाँ मैंने पीछे फूड कोर्ट में ऑर्डर दे दिया और मेरे होंठ थोड़े फट रहे हैं क्योंकि मैं गर्मी गर्मियों में मेरे को पानी का थोड़ा रहता है इशू शरीर में। खाना आ गया है, क्या मंगाया तूने ये बता पहले, क्या है ये? बटर चिकन मोमोज, ये मंगाया हमने बटर चिकन मोमोज ग्रेवी वाले हैं, अच्छे होते हैं देखो, बहुत तो यार इसको ट्राई करते हैं एक बारी। वाव मोमोज का बहुत नाम सुना है तो यहाँ पे इसकी वाव मोमोज की स्टॉल है, प्लस अभी मैंने अपने लिए इंडियन खाना दाल चावल रोटी मंगाई है, दाल चावल रोटी के बगैर यार मेरा मन नहीं लगता, तो दाल चावल रोटी वहाँ से खाएंगे, वहाँ से आ रहा है, तो एक बारी ट्राई करते हैं यार इसको, कैसा लगता है तेरे को? बढ़िया लगता है ये? अच्छा नॉर्मल मोमोज है, इसका तो लग रहा है चिकन वाली ग्रेवी में घुमा दिया भाई। देखो मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ बट मैं ऐसे बता देता हूँ कैसे लगे, मुझे जल्दी अच्छा मुझे ऐसा लगा नॉर्मल मोमोज है, उसको बस ना ग्रेवी में घुमा दिया भाई। जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, देखो भाई ठीक है अभी कोई लोग भाई स्पेशल दोले को मेरे को नहीं पता बट मैं जेन्युइन नहीं बता रहा। फाइनली फूड आ चुका है हमारा, टिक्का ऑर्डर मार के आया था इन्होंने, फिश टिक्का कर दिया और फिश टिक मैंने खाया, मैंने यार ये पनीर कुछ अलग सा स्वाद कैसे कर रहा है, हमारे घर में नकली पनीर आता और इनके यहाँ आता है बट नहीं यार वो फिश टिक्का था और वो हमने खा भी लिया ठीक है खाने से पहले ही, बट यार एक बात देखी मैंने गिनती के 5 पीस रखे थे उसके ऊपर और था इतना महंगा यार, 6 पीस थे, 6 थे बट फिर भी इट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ यार। और फिलहाल अभी खाना आ गया तो खाना लिपटाते पहले फिर आज बाहर घूमेंगे, रात को गुड़गांव में नाइट आउट मारेंगे, थोड़ा चिल रखेंगे व्लॉग को ठीक है, क्योंकि शादी में मैं घूम नहीं पाया अच्छे से, थोड़े सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे वहाँ पे तो फिर मेरे को सही नहीं लगा मॉल वहाँ पे, तुम सीधा पक्के आ गए वहाँ से। खा पी के बाहर आ गए भाई, मैं तो थक गया, इतना खिला दिया इसने, इतना खिला दिया इतना खिला दिया इतना खिला दिया कि मेरे से खाया नहीं और मैंने बहुत सारा खाना पैक करा लिया। ओए भाई ओए रो रस्ते में घूमने की नहीं हो रही, ओए मटर हो जाएगा भाई। गुड़गांव मतलब ऐसे रात में ना कभी यार तुम घूमना, मतलब ऐसे बहुत कुछ खाने पीने के लिए है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत मज़ा आता है ऐसे गुड़गांव में रात को घूमने में चिल करने में। फिलहाल टाइम अभी 2 बज चुका है और 2 बजे वाला टाइम लग रहा था मुझे अंदर बैठे थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था भाई, तो अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से घर रात को एकदम 2 बजे, फिर मेरे को कल कॉलेज भी जाना है यार। तुम कॉलेज जाओगे? जा रहा हूँ। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं यार, देखो बहुत सच ए नाइस प्लेस इट इज़, तो अगर आप लोग आना चाहो तो गाइस यहाँ पे आ सकते हो। गाइस
ये वाला ब्लॉग हम लोग यही पे एंड करते हैं भाई। मैं थक गया बहुत ज़्यादा आके यार, और अभी फिलहाल हो रहा है नेक्स्ट डे। और वैसे मैं आपको बता दूंगा मेरे कॉलेज के चल रहे एग्जाम, तो यार मैं थोड़ा उन चक्करों में भी लगा पड़ा हूँ। अगर मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी है यार, आप मुझे ये बताओ कि मैं ब्लॉग किस टाइमिंग पे डालूं। जैसे कि अभी देखो शाम का 7:30 हो रहा है, और मैं नहीं चाहता मैं व्लॉग अभी घर जाके इसका आउटरो चिपका करके इसको 8:30 बजे तक अपलोड करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी टाइमिंग चेंज करूँ, थोड़ा जल्दी करूँ। तो मैं कितनी जल्दी करूँ मुझे नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मुझे सजेस्ट करो, कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ यार। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक चैलेंज करें, इसके अंदर मैं 30 दिन 30 व्लॉग करूँ। देखो मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे को अपनी जिम देखनी है, अपनी डाइट देखनी है, वो सब चीज़ देखनी है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा और मैं डालूंगा 30 दिन के अंदर 30 व्लॉग। तो तुम मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि तुम क्या क्या आइडियाज देना चाहते हो, और मैं व्लॉग किस टाइम अपलोड करूं मुझे ये भी बताओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूं सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले की ही मैं एक डेट एक टाइम सॉरी सिलेक्ट कर लूं। तो गाइस ठीक है, फिर ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन दबा के। बहुत सारा कंटेंट अब अपने चैनल पे आने वाला है, ठीक है। और जो मैं बता रहा था, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ये आएगी, क्योंकि मैं कल जा रहा हूं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, तो मैं कल सर्विस कराने जा रहा हूं, तो उसका व्लॉग बिल्कुल नेक्स्ट आएगा, और वो सब देखना, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन दबा लेना, साथ में मिलता हूं तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट। और हां, एक बार तुम्हारा भाई आज कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके बता दो एक बारी। भाई मैं वैसे कैसा लग, गंदी तो नहीं लग रहा? सही लग रहा है, सही लग रहा हूँ ना, तो एक बारी तुम्हें वैसे दिखवाता हूँ। अब आजकल मैं वैसे अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो फैशन सेंस से लेकर के फिजिक पे हर चीज़ पे पूरा ध्यान हो रहा है। तो अब मैंने वाइट वाले स्नीकर पहन रखे और साथ में वाइट शर्ट, और स्ट्रैप जो है मैंने चेंज कर लिया। मेरे बहुत सारे स्ट्रैप, बट मोस्टली मैं यही वाला स्ट्रैप पहनता हूँ, बट आज ये मैच हो रहा था तो मैं पहन के। कैसा लग रहा है एक बारी कमेंट करके बताओ। बाकी मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।